नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने के साथ साथ एक शब्द हर किसी की जबान पर चढ़ गया है, वो शब्द है क्वारंटीन। आज हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। क्वारंटीन शब्द दरअसल क्वारंटेना से आया हुआ है, जो वेंशियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ 40 दिन होता है। वर्ष 1348 से 1359 के दौरान प्लेग से यूरोप की 30% आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। इसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने यहाँ आने वाले जहाजों और उन पर मौजूद लोगों को एक द्वीप पर 30 दिनों तक अलग रहने का आदेश जारी किया था। इस दौरान ध्यान दिया जाता था कि किसी व्यक्ति में प्लेग के लक्षण तो नहीं है। 1448 में इस क्वारंटीन के समय को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया था। क्वारंटीन की वजह से प्लेग और फिर यूरोप में 1492 में फैला चेचक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन में फैला येलो फीवर 1831 में हैजा रोकने पर काफ़ी मदद मिली थी। और अब कोरोना के प्रकोप के चलते क्वारंटीन शब्द एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्वारंटीन में रह रहे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब क्वारंटीन में रह रहे लोगों के घर दूध और सब्जी वालों ने सामान देना बंद कर दिया। लोगों का क्वारंटीन का वक्त भी खत्म हो चुका है, बावजूद इसके लोग उनसे डरते हैं, लेकिन उनके ऊपर लगा जो लांछन है वो लगातार जारी रहता है। दरअसल कोरोना को लेकर सतर्क होना अच्छा है, लेकिन लोगों को अमानवीय नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले एक शख्स की हाल में शादी हुई थी। 12 मार्च को वो अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ हनीमून पर फ्रांस और इटली गया था। 22 मार्च को जब वो अपनी पत्नी के साथ विदेश से लौटा तो वो दोनों और उनका परिवार होम क्वारंटीन में चले गए। इनमें से किसी में भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, लेकिन पूरे परिवार ने सरकार की सलाह मानते हुए खुद को क्वारंटीन कर लिया। इसके बाद अधिकारियों ने उनके घर के बाहर एक स्टिकर चिपका दिया जिस पर लिखा था, यहाँ ना आए, घर क्वारंटीन में है। इसके पीछे मकसद यह था कि लोग कानून का पालन करें, लेकिन इस शख्स का कहना है कि वो और उसका परिवार पहले से ही समझदारी के साथ नियमों को मान रहे थे, लेकिन यह स्टिकर तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने वाला बन गया। उसने बताया कि उसका घर चिड़ियाघर जैसा बन गया। घर के सामने से गुजरने वाले लोग तस्वीरें लेते हुए जाने लगे। वो या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर एक क्षण के लिए भी अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता तो पड़ोसी उसे भीतर जाने के लिए इशारा करते थे। शख्स ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उसके घर की तस्वीर स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप पर चेतावनी के तौर पर डाल दी। दरअसल लोगों को यह समझने की जरूरत है कि होम क्वारंटीन एक सतर्कता वाला कदम है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संक्रमित है। ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह क्वारंटीन शब्द कहाँ से आया और इसका पहली बार कब इस्तेमाल हुआ। क्वारंटाइन दरअसल लोगों पर लगाए गए उस प्रतिबंध को कहा जाता है जिनसे बीमारी के फैलने का खतरा होता है। ऐसे में लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है और इस दौरान उन्हें किसी से मिलने जुलने बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं होती है। क्वारंटीन शब्द दरअसल क्वारंटेना से आया है, जो वेंशियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ 40 दिन होता है। 1348-1359 के दौरान प्लेग से यूरोप की 30% आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। इसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने यहाँ आने वाले जहाजों और उन पर मौजूद लोगों को एक द्वीप पर 30 दिनों तक अलग रहने का आदेश जारी किया था। इस दौरान ध्यान दिया जाता था कि किसी व्यक्ति में प्लेग के लक्षण तो नहीं है। 1448 में इस क्वारंटीन के समय को बढ़ाकर 40 दिन का कर दिया गया था, क्योंकि उन दिनों प्लेग के रोगी की लगभग 37 दिनों के भीतर मौत हो जाती थी। क्वारंटीन की वजह से प्लेग और फिर यूरोप में 1492 में फैला चेचक, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन में फैले येलो फीवर, 1831 में हैजा रोकने पर काफी मदद मिली थी। और अब कोरोना के प्रकोप के चलते क्वारंटीन शब्द एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्वारंटीन में रह रहे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी भेदभाव जारी रहता है। कई ऐसे भी मामले सामने आए जब क्वारंटीन में रह रहे लोगों के घर दूध और सब्जी वालों ने सामान देना बंद कर दिया। लोगों का क्वारंटीन का वक्त खत्म भी हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर लगा लांछन जारी रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं और वे सोशल मीडिया में उड़ने वाले किसी भी अफवाह को सच मान ले रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन में रह रहे लोगों को उनके पड़ोसी दोस्त अगर मोबाइल के जरिए ही कुछ उत्साहवर्धक मैसेज भेज देंगे तो उनको भी दिलासा मिलेगी। हैदराबाद और बेंगलुरु में तो ऐसा भी वाक्य सामने आया जब क्वारंटीन में गए लोगों के नाम और पते सार्वजनिक कर दिए गए। इस पर प्रशासन की ओर से बताया गया कि चूंकि होम क्वारंटीन में रह रहे लोग ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे कि वह किसी छुट्टी पर आए हों, इसी वजह से उनकी जानकारियां साझा की गई थी, लेकिन यह पूरी तरह किसी शख्स या परिवार की निजता का उल्लंघन है। क्वारंटीन इकाइयों को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।
कर्नाटक के मैसूर में स्थानीय लोगों ने प्रशासन को एक होटल खाली कराने के लिए मजबूर कर दिया। इस होटल में 27 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। लोगों को डर था कि इस होटल में रहने वाले खिड़कियों से थूक सकते हैं और इससे उन्हें संक्रमण हो जाएगा। दरअसल कोरोना को लेकर सतर्क होना अच्छा है, लेकिन लोगों को अमानवीय नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि विदेशों से आए कुछ लोग या फिर दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल हुए कुछ लोग अभी भी छिपे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह वो अपने साथ साथ अपने परिवार, पड़ोस और दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस के दुनिया के अंदर फैलने के साथ साथ एक शब्द जो है वो हर किसी की जबान पर है, क्वारंटीन। क्वारंटीन शब्द का आज हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्वारंटीन में रहने का मतलब क्या है और क्वारंटीन से रहने का कितना फायदा है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं इंटरनल मेडिसिन मेदांता के, गुरुग्राम से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका सुशीला जी। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति तिवारी जी हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी बहुत स्वागत है आपका। इनसे तफसील से हम जानेंगे और बहुत जल्द हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा सुशीला जी आपसे है, आपको न सिर्फ वो लोग जिनको आपने ठीक किया है वो लोग सलाम कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी और अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए लगातार लगे हुए हैं। सुशीला जी, सवाल मेरा इस बात को लेकर है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर, एक खौफ नाम की भी चीज़ है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितना चुनौतीपूर्ण काम है ये और कितनी मुश्किलें आती हैं इस काम को करने में, क्योंकि आप लगातार इस काम में लगी हुई हैं। कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने में दो तरह की, एक तो ये है क्लिनिकल करना है, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा है कि आप साइकोलॉजिकली पेशेंट स्ट्रॉन्ग रखना है कि वो इस रास्ते में निराश ना होए, भटके ना, ताकि वो आपके ट्रीटमेंट में आपका सहयोग दे। इससे बिल्कुल अलग एक चुनौती समाज की भी है कि वो पेशेंट, मेरे पास एक डॉक्टर एडमिट थे खुद, जो वो कहती हैं कि मेरे जब से पता चला है मेरे मोहल्ले वालों ने तो मुझे अछूत का डिक्लेयर कर दिया, मतलब इससे तो बेहतर होता कि मुझे कोई ऐसी अछूत की बीमारी हो गई होती। तो ये कितना, मतलब इसको जान के मुझे इतना दुख लगा कि भाई एक तरफ ये भी छोड़ दीजिए कि वो डॉक्टर थी, पेशेंट का इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान उनको ये हो गया, ही सैक्रिफाइस नन ऑफ हर फॉल्ट। इसी तरह किसी पेशेंट को भी अगर हो जाता है तो किसी ने जानबूझ के तो अपने ऊपर कोरोना का संक्रमण लिया नहीं है। तो हमें, हमारा ये फर्ज बनता है एज जनरल पर्सन कि हम सतर्क रहें, लेकिन हम उसका एक हवा ना बनाएं, हम लोगों को प्रताड़ित ना करें। आप उनके पास मिलने नहीं जा सकते, हम नहीं कह रहे कि आप झुंड बना के आप हालचाल पूछने जाइए, पर कम से कम एक प्यारा सा मैसेज छोड़ सकते हैं कि भाई हम आपका सकुशल होने का इंतजार कर रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, ये मुश्किल समय है, ये भी निकल जाएगा। अगर हम मरीज को स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे, क्वारंटाइन करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे, ठीक करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, और यही एक तरीका है कि हम इस बीमारी पे पार पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसको हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। क्वारंटीन शब्द को लेकर तमाम तरह की जो लोग हैं, अलग अलग मानसिकता लोगों के जहन में चल रखी है, अलग अलग दिमाग लोगों के लोग बना के बैठे हैं कि क्वारंटीन मतलब ये है कि आप जेल में भेज देंगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, दरअसल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्वारंटीन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये भी हमारे दर्शकों को तफसील से बता दीजिए। एक्चुअली क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि जिस आदमी को या जिस भी डॉक्टर को या किसी भी उसको अगर क्वारंटीन में रखा गया है तो संक्रमित है ही। क्वारंटीन का मतलब है कि शायद उसको वो भी डिजीज है जिसको हम कोरोना से भी डील कर रहे हैं, या कोई और भी ऐसी डिजीज हो सकती है जो कोरोना नहीं है, और उन लोगों को उस कंडीशन में रखा गया है कि अगर वो किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो वो उसको स्प्रेड नहीं करें, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स में हो या अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स में हो। तो यही एक चीज है क्वारंटीन फॉर द सस्पेक्टेड पेशेंट, जिसको हम बोलते हैं कि वो पेशेंट हो सकता है। कुछ हद तक लोगों को जानना ये भी ज्यादा जरूरी है कि अगर वो सस्पेक्टेड पेशेंट से कंफर्म पेशेंट भी है और उसको कोरोना संक्रमण है,
तब भी ज्यादातर पेशेंट अगर उनको क्वारंटीन में रखा जाता है और अगर चिकित्सा की जरूरत नहीं भी है तो वो रिकवर कर जाएंगे और वो स्प्रेड नहीं करेंगे डिजीज को। तो क्वारंटीन सही में जैसे भी हमारे डॉक्टर ने बताया हुआ नहीं है, हम कोरोना से सिर्फ एक फाइट है जो लड़ रहे हैं और ये एक साथ मिलकर के लड़ सकते हैं। सुशीला जी, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटीन शब्द को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर जैसे कुछ लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उस पोस्टर के साथ लोग फोटो खींचते हैं, बताते हैं, उसे सार्वजनिक कर देते हैं कि देखिए इन्हें होम क्वारंटीन किया गया है, इनके घर के आसपास से मत निकलिए, आपको कोरोना हो जाएगा, इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती है उसके बारे में आप बताइए कि ये दरअसल जो अफवाहें हैं वो किस तरह का असर डालती हैं समाज में। देखो एक तो ये इंसानी तौर पे कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, दूसरा ना केवल ये गलत है ये एक अपराध भी है कि आप पेशेंट की प्राइवेसी, आप उनके यू नो एक लाइक बिट्रे यू नो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, तो ये आपके लिए इस तरह की अफवाह फैलाना और इस समय पे जहाँ पे मतलब डर का माहौल इतना ज्यादा बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ कदम ले सकती है, आपके लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें, गलत चीज को फैलाना, भ्रमित एसएमएस को इधर उधर करना। दूसरा क्या है कि आपने किसी पेशेंट को क्वारंटाइन में रखा हुआ है, वैसे ही उसको बोर्डम हो रही है, परेशानी है, बीमारी का डर है, एक तरफ से वो इस बीमारी इस चीज से बाहर निकल रहा है, दूसरा उसको स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, उसके घर के सामने मतलब सेल्फी ली जा रही है, मतलब ये कोई नमूना थोड़े हो रहा है, कोई जोक थोड़े हो रहा है, ये कोई चिड़ियाघर थोड़े है, मतलब हम तो किसी भी चीज को मतलब व्हाट्सएप पर सेल्फी कर सकते हैं, मतलब किसी की सफरिंग को इस तरह से उजागर करना, उस सफरिंग को इस तरह से ब्रॉडकास्ट करना, आई थिंक इट्स नॉट ओनली इनह्यूमन, इट इज अनएथिकल एंड इट इज एंटी लॉ। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं दरअसल समझना चाहूंगी क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानती हैं, समझ रही हैं इनको, वायरस जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, जिस कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं जिससे न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व परेशान है, अमेरिका जैसे विकसित देश भी इसकी वैक्सीन ढूंढने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हैं, ऐसे में क्या लगता है ये कैसा वायरस है? क्योंकि कई बार इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं कि 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के बावजूद भी लक्षण सामने नहीं आते हैं और 14 दिन के बाद जब लक्षण सामने आते हैं तो पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है, ये कैसे हो रहा है जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है? देखिए इसके अंदर ना हमें बीमारी का जो पैथोजेनेसिस होता है कि बीमारी का जो वायरस है हमारे शरीर में आता है तो हमारी जो शरीर है वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है जानना जरूरी है। खाली कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जब होते हैं हमारे शरीर के अंदर आ गए, उसके बाद हर इंसान की इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर कितनी क्षमता है उस वायरस को या पार्टिकल को लड़ने की उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको लड़ करके खत्म कर सकती है या फिर कुछ सिम्टम्स आएंगे या ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। जिसकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी वो उन सिम्टम्स को कम करेगा और उस अच्छे से लड़कर उस वायरस को बॉडी से निकाल सकता है। तो कोरोना वायरस ऐसे भी इसको हम नॉवल कोरोना वायरस बोल रहे हैं, ये एक नए तरीके का वायरस है जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं आ पा रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो पेशेंट है जिसके पास कोरोना वायरस आ गया है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, उसके पास कितने रिसोर्सेज उसकी बॉडी में स्पेशली इम्यून सेल्स और वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा। इसीलिए कुछ लोगों में 2 दिन बाद सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ लोगों में 14 दिन बाद भी सिम्टम्स नहीं आ पा रहे हैं एंड दे आर कोरोना पॉजिटिव। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है। इसीलिए हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत से ऐसे मैसेजेस जा रहे हैं, ऐसी वेबसाइट बनाई गई है जिनमें आपको मेथड बता रहे हैं कि इम्प्रूव योर बॉडी इम्यूनिटी ताकि आपकी बॉडी खुद से कोरोना से लड़ सके। दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आता है नॉट जस्ट भी कोरोना, तो 2 चीजें काम करती है। एक उस पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी जो ज्यादातर 60-70% किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जरूरी है, दूसरा जो हम दवाइयां दे सकते हैं या वैक्सीनेशन दे सकते हैं ताकि आप उस बीमारी से लड़ सकें। तो जब 60-70% काम आपके शरीर में खुद करना है और वो किस तरीके से करेगा, दैट वुड बी इंडिविजुअल ग्राउंड। इसीलिए खुद की इम्यूनिटी इम्प्रूव्ड रहे और वायरस से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की वही डिसाइड करेगी कि पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक होगा।
जी डॉक्टर सुशीला जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दरअसल जिस तरह से कोरोना वायरस की लगातार हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी स्वाति जी बता रही थी कि कुछ ऐसे भी केसेस है जिसमें 14 दिन के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस है जिसमें 14 दिनों के बाद दिखते हैं या फिर नहीं दिखते। क्या आपके पास भी इस तरह के मरीज आ रहे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं फिर भी उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ रही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं और लगभग 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कोई ज्यादा लक्षण नहीं है। मतलब ये लोग ऐसे हैं जिनको शरीर से पता भी नहीं होगा कि वो बीमार हैं। और ये जो बात है ये हमें सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल रही है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। अगर कोई बीमार है व्यक्ति, अगर शरीर से फील कर रहा है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, जांच करवाएगा, घर पे आराम भी करेगा, लेकिन जिसको कुछ फील नहीं हो रहा है ना तो वो जांच करवाने जाएगा ना ही वो रेस्ट करेगा। इवन हम कई बार एडवाइस करते हैं, इस पर भी पेशेंट रिटेलिएट करते हैं कि मुझे तो कुछ है नहीं, मैं क्यों रेस्ट करूं। मैंने कहा रेस्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि आप कहीं और ना फैलाएं। तो ये जो बीमारी है, सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन पहले था कि भाई सिम्टम्स नहीं हुए तो आप ठीक जा सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने भी कहा है कि 14 दिन का क्वारंटाइन जब आपका खत्म होता है तो आप एक बार एक जांच जरूर करवाएंगे कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप नॉर्मल अपनी प्रक्रिया जो जीवन की है वो कर सकते हैं। जी, जी, जी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उसका क्वारंटाइन में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे जब तक कि वो नेगेटिव नहीं हो जाता। जी सुशीला जी, क्योंकि आप लगातार मरीजों से मिल रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं, और बहुत ऐसे मरीजों को आपने ठीक भी किया है, कोरोना के मरीजों को, जिससे कि लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, एकदम छूत जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वाकई सल्यूट है कि आप जिस तरह से आप लोग देश के लिए जज्बा दिखा रहे हैं। सवाल इस बात को भी लेकर है कि जो कोरोना के मरीज ठीक हो रही हैं, जो कोरोना के मरीज अपने घर जा रहे हैं, उनसे भी क्या किसी तरह का खतरा है? क्योंकि लोगों की मानसिकता ये है कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो ठीक होकर वापस अपने घर भी लौट गया है, तब भी उससे दूरी बना के रखें। हमारी जो गाइडलाइन है ICMR की गाइडलाइन है, डिस्चार्ज होने के बाद भी हम पेशेंट को 2 हफ्ते तक सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि स्टूल में कुछ वायरस कभी कभी सिक्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन आम जनता को, पास पड़ोसियों को या आम सोसाइटी में लोगों को उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को हम हैंड हाइजीन सिखा के बताते हैं, उनको होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन के क्या डूज एंड डोंट्स है वो सिखाकर भी भेजते हैं। वो ठीक है, सोसाइटी में जाने लायक है, इसीलिए उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निमेश जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डॉक्टर निमेश जी देसाई, जो कि निदेशक है IHBAS के, दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर निमेश, सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर सुशीला जी कर रही थी कि ऐसे लोग जो हैं जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनके उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है, फिर भी जो आस पड़ोस है उनकी जो किस तरह का उनका दिमाग उस वक्त रहता है कि क्योंकि इतना डर, इतना खौफ का माहौल बन चुका है, न सिर्फ देश में बल्कि तमाम पूरे विश्व में, पूरे विदेशों में भी इस तरह का माहौल बन चुका है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो पता नहीं उसके अंदर दोबारा वो लक्षण कब आ जाए। इस तरह का जो माहौल बना है, किस तरह का दिमाग लोगों का होता है कि उससे छूत जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं? सावधानी, मोटी सी बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी, जो डॉक्टरी विज्ञान के मुताबिक सावधानी जरूरी है फॉर और आफ्टर दी टेस्टिंग और आफ्टर दी क्वारंटाइन, वो जरूर की जाए, लेकिन उसके कारण इसको तिरस्कार की भावना या आइसोलेशन की भावना हो मानसिक रूप में, वो नहीं जरूरी। जो मेडिकल प्रिंसिपल है उसके मुताबिक क्वारंटाइन या आइसोलेशन जितना वक्त जरूरी है उतना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही है, समाज में माहौल एक ऐसा फैल गया है जैसे ऑलमोस्ट अछूत की तरह डील किया जाए, या मानसिक रूप से एटीट्यूड करके उसको ऐसा महसूस करवाया जाए जैसे एक कलंक है। बहुत अच्छा कैप्शन आपका पढ़ रहा था कि क्वारंटाइन कलंक नहीं है, वो बहुत जरूरी मैसेज है, क्योंकि जितनी समस्या है उसकी सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन उसे 10-20 गुना 50 गुना ज्यादा हम अगर साइकोलॉजिकल या सोशल फिनोमेना ऐसे बना देंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप सावधानी बरती है, लेकिन स्वाति जी, सावधानी बरतने के साथ साथ लोग अमानवीय हो जाते हैं, वो कितना खतरनाक है इस देश के लिए, समाज के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास भी यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर खाली अमानवीय उन पेशेंट्स के साथ नहीं हो रहा जिनको हम ट्रीट करके भेज रहे हैं या जो अंडर ट्रीटमेंट भी है हमारे हॉस्पिटल में,
यहाँ पर उनके साथ भी देखा गया है, जो स्टाफ है हमारा, चाहे हाउसकीपिंग है चाहे डॉक्टर्स हैं, जो कि उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, चाहे वो सब प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं, उनके साथ भी एक बहुत ही अजीब तरीके का अमानवीय व्यवहार देखा जा रहा है बाहर की पब्लिक की वजह से। उनकी फोटोग्राफ खींचना, उन लोगों को ह्यूमिलिएट करना, या उनसे इतना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना कि जिससे परेशानी क्रिएट हो रही है। तो ये चीज लोगों को समझना जरूरी है कि चाहे वो एक ट्रीटिंग डॉक्टर है या एक सस्पेक्टेड संक्रमित पेशेंट है या फिर एक नॉर्मल पर्सन है, वो एक ही बोट में वी आर ऑल सेलिंग। तो इस चीज का ध्यान देना है, खाली यही नहीं है कि हमें कोरोना से फाइट कर रहे हैं, हमें एक सोच से भी लड़ना है जो कि किसी भी तरह से हमारे देश के लोगों को या हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं या डॉक्टर फेटर्निटीज हैं या फिर हमारे जो भी हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं, ताकि उनको किसी तरह का मानसिक असंतुलन भी नहीं फील हो वंस वी आर फाइटिंग विद कोरोना। बिल्कुल, कोरोना से तो लड़ा जा सकता है, वो पूरा देश एकजुटता के साथ लड़ रहा है, डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सोच से कैसे लड़ा जाए, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं डॉक्टर सुशीला जी, जहां पर ये तो चलिए कोरोना पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं, उनके साथ भी आस पड़ोस इस तरह का बर्ताव करता है, लेकिन जो सिर्फ होम क्वारंटीन में रखे गए हैं, जो विदेश से वापस लौटे हैं या फिर यूं कहें कि किसी की जो ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो वापस घर पहुंचा है, तो उसके बाद जब उसे होम क्वारंटीन किया जाता है, घर के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है, तो इस तरह से व्यवहार कर लिया जाता है आस पड़ोस के जरिए उनके साथ कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो ही गया हो, क्योंकि दूध वाला दूध नहीं देता, सब्जी वाला सब्जी नहीं देता, तो ये जो व्यवहार किया जाता है, ये इस सोच से लड़ना कितना मुश्किल है। कोरोना को लेकर तो आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन इस सोच से लड़ना कितना मुश्किल है। देखिए, सही जानकारी अगर आपके पास है, और जो कि सरकार और मीडिया आप लोग टाइम टू टाइम सर्कुलेट कर रहे हैं कि देखो इस तरह से नहीं होता, पर ये किसी भी नई बीमारी में इस तरह का डर, इस तरह का भय और इस तरह का बिल्कुल ही इरेशनल बिहेवियर हम देखते रहते हैं। पेशेंट जब HIV वायरस नया नया आया था तो आपने देखा कि पेशेंट के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, अब लोग उस बात को धीरे धीरे समझ गए हैं। कोरोना तो उससे बहुत ही माइल्डर वायरस है और आपके डूज एंड डोंट्स हैं जिस तरह से आप करेंगे, तो सही से कहा कि बीमारी से तो लड़ना आसान है, पर किसी की अगर सोच ही गलत है तो सोच से लड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि जो क्वारंटाइन में है, जो विदेश से आए हैं या जो एट रिस्क है, भाई आप क्वारंटाइन में उसका रिस्पेक्ट करिए, जो भी उसके डूज एंड डोंट्स हैं उसका सही से पालन करिए। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए जहां लोगों ने हिस्ट्री नहीं बताई कि वो बाहर से आए थे, जबकि उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि वो ना बताएं। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को पता है कि उन्हें क्वारंटाइन में रहना है, फिर भी वो नहीं रहना चाहते, वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, और किसी का फैमिली मेंबर अगर बाहर आया है, आपने मध्य प्रदेश में जो केस देखा, मतलब दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बिल्कुल डॉक्टर निमेश जी, क्योंकि कई लोगों की ये भी मानसिकता है कि अगर आपको क्वारंटीन में रखा गया है तो क्वारंटीन का मतलब है कि आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको वैसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे कि एक जेल में कैदी के साथ किया जाता है, तो इस जो सोच है उसको मिटाने की जरूरत है। यहाँ पर कितनी जरूरत है इस चीज को मिटाने की, क्योंकि जाहिर तौर पे ये जब तक सोच नहीं हटेगी तब तक लोग अपने आप को क्वारंटीन नहीं करेंगे, घर में अपने आप को कैद नहीं रखेंगे, और ऐसे में ये कोरोना को हराने के लिए एकमात्र जरिया है, एकमात्र इलाज है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है, क्यों? किसी भी ऐसे दौर में, ऐसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कब सुखिला प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, इन सब के दौरान हम सामाजिक रूप से गुजर चुके हैं। ये जो सोशल एटीट्यूड बनता है नेगेटिव, वो गलत है लेकिन बनता है, तो हमें चाहिए, जैसे डॉक्टर स्वाति कह रही थी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से, हम सब की तरफ से, समाज की तरफ चाहिए कि तिरस्कार की भावना और नेगेटिव एटीट्यूड ना बने। लेकिन उसी तरफ जो डॉक्टर सुशीला कह रही थी, वो भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो रेड जोन में है, जो व्यक्ति रेड जोन में है, जो क्वारंटाइन में है, टेस्टिंग की जरूरी है, वो जिम्मेवारी से पेश आना हो। भाई उनको तिरस्कार की भावना न महसूस करे, समाज का जिम्मा है, लेकिन तिरस्कार की भावना है, तिरस्कार के डर से मैं गिर जिम्मेवारी करूं वो मेरे लिए गलत होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, दो एक एक छोटा सा समूह है जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, जैसे आपने कहा समाज जो है उसमें छोटे तौर पर लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं, समाज में भी बड़े ग्रुप में कुछ लोग या छोटे ऐसे हो जो नेगेटिव एटीट्यूड प्रदर्शित करते हैं, तो हमें इन दोनों को करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस पर अच्छा काम हो रहा है,
सोशल मीडिया के कारण, कारण सरकार के कारण, मैं नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं है, लेकिन तो पुरानी समस्या गुजर चुका है, प्लेग HIV सबके मुकाबले। और मैं कहूँ हमारे क्षेत्र से मानसिक रोगियों के तरह, दिव्यांगजन की तरह, जो सामाजिक एटीट्यूड सदियों से दशकों से चला आ रहा है उसके मुकाबले बहुत अच्छी मेहनत हो रही है, थोड़े पॉकेट कहीं पे अभी वहां काम करने की जरूरत। जी आप डॉक्टर स्वाति, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल जो हालात और फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जाहिर तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं सब अपने अपने कामों को कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो समाज में सोच बनी हुई है, जिन लोगों का क्वारंटीन वक्त खत्म हो चुका है, वो लोग बिल्कुल स्वस्थ है, वो ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जा सकते हैं, बाहर से जाकर किसी भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, बावजूद इसके के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो कितना निंदनीय है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है डरावनी जरूर है, लेकिन यहाँ हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं लोगों से कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, महज सतर्कता बरतने की जरूरत है, लेकिन सतर्कता बरतने के साथ साथ क्या किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना कितना उचित है? नहीं, ये व्यवहार तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर पेशेंट है या नहीं है या कोई क्वारंटीन में है और उसके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जाए। ये चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि खाली कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत सी और बीमारियां हैं जो हमारे देश में क्या बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि टीबी है, वो भी तो ऐसे ही फैलता है, सांस से फैलेगा। तो क्या टीबी के मरीजों को या किसी के घर में अगर टीबी हो जाती है तो इस तरह का व्यवहार किया जाना सही है? HIV है, ये HIV वायरस जैसे अभी डॉक्टर सुशीला ने बताया कि बहुत ही खतरनाक है, ऑब्वियसली उसके अंदर तो कोरोना उससे कंपेयर करने तो कुछ भी नहीं है हमारे कोरोना से, अगर हम डेथ रेट से क्योर रेट को कंपेयर करते हैं तो वो बहुत अधिक है, कोरोना से लगातार लड़ाई की जा रही है। तो ये व्यवहार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, खाली ये दो ही एग्जाम्पल्स नहीं, बहुत बीमारियां और हैं जो कि कम्युनिकेबल है, जिनको हम इंफेक्शन डिजीज बोलते हैं, जो एक से दूसरे में सिर्फ पास में बैठने से भी फैल सकती है। तो कोरोना इज वन ऑफ देम, ये नई बीमारी है, इसलिए लोगों में पैनिक क्रिएट ज्यादा हो गया है, पैनिक की वजह से सभी हम इस लड़ाई में एक कदम पीछे ना हो जाएं, इसलिए प्लीज लोग ये समझें कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है, हमें साथ मिलकर लड़ना है, जितने भी निर्देश हमारी प्रशासन या हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाए तो सर्टेनली हम इस फाइट में जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना चाहिए और तभी आप इस महामारी से निपट सकते हैं, इसको मात दे सकते हैं। कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने के साथ साथ एक शब्द हर किसी की जबान पर है, क्वारंटीन, वो शब्द है क्वारंटीन जिसका आज हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। खैर मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वारंटीन का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है क्वारंटीन, होम क्वारंटीन क्या होता है और क्वारंटीन सेंटर में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुशीला जी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्वारंटीन क्योंकि आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं ताकि इस शब्द से कहीं ना कहीं पैनिक ना फैले, लोग जो डर का माहौल बना रहे हैं वो डर का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वारंटाइन खत्म हो चुका है तो आप उस व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बातचीत कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसे में क्वारंटीन में क्या क्या होता है, अगर आप अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं, होम क्वारंटीन में आप हैं तो आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो होम क्वारंटीन के डूज एंड डोंट्स होते हैं कि पहली बात तो है कि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले पेशेंट ये होम क्वारंटीन का मतलब समझता है कि नहीं, उसके एजुकेशन लेवल ठीक है कि नहीं, दूसरा ये है कि वो क्या बीमारी के प्रोसेस को समझता है कि बीमारी कैसे फैलती है, कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छूने का इन्फेक्शन है, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर असेस करते हैं कि इसके पास क्या अलग से रहने का एक कमरा, या कमरा नहीं है तो कम से कम अलग से एक बेड और अलग से एक बाथरूम है कि नहीं है। दूसरा, इसके पास खाना खाने की, खाना वाना मतलब जो बेसिक सुविधाएं वो अवेलेबल है कि नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं इसको यहाँ पे। उसके बाद में हम उसे कहते हैं कि भाई आप अननेसेसरली डोर नॉब्स वगैरह को टच ना करें, अपने आप को एक कमरे में सीमित रखिए, जो आपके खाने के बर्तन हैं उनको अलग से रखा जाए या धोया जाए, आप बार बार हाथ धोते रहिए, आप दूसरे कमरे में ना जाएं, अगर खांसी या छींक आती है तो अपने चेहरे को ऐसे ढकना है बजाय कि हाथ में खांसने छींकने की बजाय,
आपकी जो कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, जैसे आपका तौलिया है, आपका नहाने का बाल्टी है, मग्गा है, पीने का पानी का गिलास है, चम्मच है और प्लेट वगैरह है, उसको आप अलग रखिए। होम क्वारंटाइन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, होम क्वारंटीन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अगर लोग घर में क्वारंटीन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोरोना संक्रमित है, इस बात को आप समझिए। और छूत वाला व्यवहार करना बंद करिए, क्योंकि जाहिर तौर पे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर स्वाति कि क्वारंटीन में रहने पर क्या कुछ सावधानियां और बरतनी चाहिए, जैसा कि सुशीला जी ने बताया कि काफी कुछ अलग रखने की आपको जरूरत है, आपको लोगों से अलग थलग रहने की जरूरत है, और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, जो डॉक्टर सुशीला ने बताया उसके अलावा कुछ चीजों का और होम क्वारंटाइन में ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन जो भी क्वारंटाइन में है उनकी डाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, एक हेल्दी डाइट उनको लेनी है। दूसरी चीज, जिस एरिया में भी वो क्वारंटाइन हुए हैं वो रूम का डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है, चाहे वो जो क्वारंटाइन में रह रहा है वो खुद कर सकता है, जैसे हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उस कमरे की सफाई है, वो चीजें करना जरूरी है। तीसरा, उस कमरे का वेंटिलेशन, उस कमरे के अंदर थोड़ी सनलाइट आए, ये चीज बहुत ध्यान दी जानी चाहिए है। इसके अलावा जो भी होम क्वारंटाइन में है, अगर उसका एजुकेशन लेवल कम भी है तो उसको ये समझ करके उस क्वारंटाइन में भेजना चाहिए कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स को उसकी लोकल लैंग्वेज में बताया जाए तो वो इमीडिएटली नियर बाय डॉक्टर को या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इन्फॉर्म करे। दूसरी चीज, उसके घर के सारे लोगों को भी इस चीज का ध्यान देना है कि चाहे वो अपने क्वारंटीन वाले जिससे आदमी से दूर भी है, तब भी उनके अंदर अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली किसी को इन्फॉर्म करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर निमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 14 दिन तक क्योंकि क्वारंटीन में रहना, अलग थलग रहना, किस तरह से मानसिक स्थिति इंसान की होती है जब इंसान अलग रहता है, शांति में रहता है और लोगों से एकदम कट जाता है, सोशल कनेक्शन आपका एकदम कट जाता है, तो किस तरह की मानसिक स्थिति इंसान की होती है? जी, बाकी मैकेनिज्म अवेलेबल है, जो कोविड वार्ड है उसमें एडमिटेड मरीजों की और मुश्किल है। अपनी 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 सेहत की फिक्र भी है, डर और खौफ और गहरा है। क्वारंटाइन में जैसे आप लोग बार बार सब कह रहे हैं, एक बार फिर कहे हमारे दर्शकों से, सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है, एहतियात के रूप में खुद की भलाई में और दूसरों की भलाई में अलग किया जा रहा है। बाकी एक्टिविटी बहुत सारी संभव है, मैं मानता हूँ, फिर भी कुछ हद तक असर हो सोशल आइसोलेशन के, निराशा हो, डिप्रेशन हो, है ना, थोड़ा ऐसा लगे कि भाई चिड़चिड़ापन हो रहा है या नींद ना आए, लेकिन इन चीजों को मुझे लगता है जहां तक हो सके व्यक्तियों को खुद अपने मनोबल से ठीक करना चाहिए। अगर जरूरी हो, हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अवेलेबल है अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। क्वारंटाइन का मैं आज एक बार फिर कहना चाहूंगा, क्वारंटाइन के मानसिक असर फिर भी कम है, जो ज्यादा मुश्किल है वो दो है जो हम लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं काउंसिलिंग में, टेली काउंसिलिंग। एक तो जो कोविड वार्ड में है व्यक्ति, दूसरा उसे ज्यादा जो स्वास्थ्य ने शायद कही, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कोविड वार्ड में और ऐसे फ्रंट एरियाज में काम कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति, उनका अपने लिए डर और उनका स्ट्रेस, तो धीरे धीरे टेली काउंसिलिंग में ये इमर्ज हो रहा है कि उनकी मानसिक जरूरतें बहुत ज्यादा है। जो आम जनता में होम पे लॉकडाउन है उनको तो जैसे हम सबने कहा बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए, समाज को और व्यक्तियों को थोड़ा और पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर बनाना चाहिए। दूसरे लेवल पे हो गया जो क्वारंटाइन पे है, सिर्फ एहतियात है, सावधानी है, प्रिकॉशन है। अच्छा, मैं ऐसे अक्सर बहुत जगह कह चुका हूँ, भाई जो चीजें अब तक नहीं कर पा रहे थे अब करने का मौका है ना, खुद के साथ टाइम बिताइए, क्रिएटिव हॉबीज है, कुछ और करना चाह रहे थे, लिखना चाह रहे थे, कविता लिखना है लिखिए, तो ये अपॉर्चुनिटी है, प्रकृति और हालात एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिव और अनफुलफिल्ड एम्बिशन को कुछ कर सको, और कोई चारा नहीं। वैज्ञानिक रूप से, डॉक्टरी रूप से और सामाजिक और पॉलिसी लेवल पे ऐसे वायरस रैपिडली स्प्रेडिंग एपिडेमिक में और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा जो भी अफेक्टेड व्यक्ति हो। भाई मैं पहले भी कहने लगा था, जो बाकी फीलिंग है हम में से कोई भी हो सकता है, मैं खुद की बात पहले करूं, हम में से कोई भी अफेक्टेड हो सकता है किसी एक ग्रुप में, हमें शायद वो सहन करना पड़े तो करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो उस सच्चाई को स्वीकार करना हम जितना मदद कर सके लोगों को, तो क्वारंटाइन होम जो है वहाँ पे हमारे हमारे साथियों को कभी भेजा भी जा रहा है कि भाई उसमें से जो ज्यादा ट्रबल्ड व्यक्ति है उनको थोड़ी काउंसलिंग की जाए रूबरू या टेली काउंसलिंग से, थोड़ी थोड़ी मात्रा ऐसी है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा जो तो और गंभीर समस्याएं हैं उनको हम पहचान, ठीक है। डॉक्टर निमेश जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है या फिर वो जानते हैं कि वो कोरोना संक्रमित किसी शख्स के संपर्क में आए हैं, बावजूद इसके ना अपने आप को क्वारंटाइन किया गया, ना ही डॉक्टर्स से खुल के ये बताया गया कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है या फिर वो कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। ऐसे में किस तरह के उन लोगों की मानसिक स्थिति रहती है कि ये जानकारियां भी छुपाई जाती है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या उनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, क्यों नहीं बताते? मैं सुन रहा था डॉक्टर सुशीला जी ने पहले भी कहा शुरू के पीरियड में, इससे ज्यादा बड़ी गैर जिम्मेवारी हो नहीं सकती। एक लेवल पे समझा जा सकता है कि एपिडेमिक के शुरू के दिनों में शायद बहुत सारे नागरिकों को अंदाजा नहीं था कितनी गंभीरता है, हालांकि जानकारी फैलने लगी थी, लेकिन कम से कम पिछले 3 हफ्तों में कोई कारण नहीं होना कि किसी भी नागरिक को कि ऐसी बातें छुपाए या काम या न बताए। जैसे डॉक्टर सुशीला कह रही थी, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा, ये तो एक वैज्ञानिक सच्चाई है, उसे डील करना पड़ेगा, अगर ऐसा निकल गया उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसीलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिकॉशन जो वैज्ञानिक रूप से मुनासिब है वो हम सब करें, जहाँ आम जनता में मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क, जहाँ भी अगर हम ऐसे व्यक्तियों से डील कर रहे हैं, समाज में कुछ ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई हो गए, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हो गए, वहां N95 और बाकी सावधानी बरती जाएगी। तो सिचुएशन के मुताबिक सावधानी बरतना और उस पर अमल करना इंसानी फर्ज बन जाता है, कानूनी जरूरत है छोड़िए, है ना? ठीक है डॉक्टर सुशीला जी, जिस तरह से जिक्र अभी हुआ कि कई लोगों के लक्षण नहीं आ रहे हैं, मैडम ऐसे में कैसे पहचाना जाए कि सिम्टम्स क्योंकि दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे इंसान डॉक्टर्स के पास जाए या फिर कैसे, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल भी जाना खतरे से खाली नहीं है कहा जा सकता, और जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाने से, और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे में किस तरह से ये पहचाना जाए कि हाँ इस वक्त हमें कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमें कोरोना हो, एक स्वस्थ व्यक्ति क्यों करवाए कैसे पहचाने? देखो सिम्टम ये जो है ओनली जैसे WHO कह रहा है वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, और अभी हम भी कर रहे हैं जो क्लस्टर एरियाज हैं उसमें किसी को सिम्टम्स हैं नहीं है सबकी जांच हो रही है और सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, और जिनको पॉजिटिव पाया जाता है उनको सेग्रीगेट और आइसोलेट किया जाता है। दूसरा ये समझें कि जो लॉकडाउन का मतलब भी ये है कि अगर आप समझ लो पूरा देश संक्रमित है लेकिन सारे अगर एक जगह पे स्टैंड स्टिल रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, तो वायरस जो है वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाता है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस को जंप करता नहीं है, एक वायरस ने आपने आपको एक व्हीकल बना लिया, वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर है, आपके अंदर है, शरीर में है, अब वो दूसरे व्यक्ति से अपने आप तो जाएगा नहीं, वो जब आप चलेंगे तो वायरस चलेगा। लॉकडाउन का मतलब इसीलिए यही साइंटिफिक बेसिस है लॉकडाउन का कि आप एक जगह फिर रहिए, जो इन्फेक्टेड नहीं है वो सेफ रहेंगे और जो इन्फेक्टेड है वो इलाज लेके या अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो एसिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करना तो मुश्किल है अंटिल अनलेस उनकी कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं हो या वो क्वारंटाइन में ना हो, लेकिन पूरा जो देश लॉकडाउन में बैठा है उसका जो साइंटिफिक बेसिस यही है कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, अपने आप नहीं जाता है, अगर हम उस संक्रमित व्यक्ति से नहीं मिलेंगे तो हमें नहीं होगा। जब एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, जब हमारे पास बहुत ज्यादा किट होंगे, तो मे बी हम एक पर्टिकुलर एरिया का या जन साधारण जिस का भी टेस्ट करना है वो किया जा सकता है कम कीमत पर और सुविधाजनक, और उसके रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। डॉक्टर स्वाति, क्वारंटीन में इस वक्त रहना कितना जरूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है कई बार इसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कई बार लक्षण दिख जाते हैं तो टेस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे में जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, लॉकडाउन है देश में, और ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इस लॉकडाउन को क्या और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें क्वारंटीन में खुद को रखना
कितना जरूरी है। और ये जो वायरस है, जिस वायरस की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वायरस अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता तो किस तरह के इसके आगे के आगे का काम हो सकता है? जी, ये वायरस जैसे अभी डॉक्टर सुशील रवि ने समझाया हमारे कि अपने आप में ही ट्रांसफर होता है वो। अगर आप एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बताया जा रहा है 1 मीटर का, 3 फीट का जो डिस्टेंस है, अगर उतना आप मेंटेन रखते हैं तो वायरस जिसके अंदर है या जिसके शरीर के ऊपर है वो उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से तकरीबन 7 दिन में, किसी का 10 दिन में या उससे ज्यादा भी लेकर के, शायद बिना किसी सिम्टम्स के या माइल्ड सिम्टम्स के साथ बिना किसी ट्रीटमेंट के भी अपने आप खत्म हो जाए और आगे से स्प्रेड नहीं हो। तो इसी चीज के लिए हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी देश की जो पॉपुलेशन है फिलहाल, अगर हम खाली इंडिया की बात करें, 130 करोड़ लोग हैं, जो उनमें से कितनों को इन्फेक्शन है हमें अभी भी नहीं पता, कितनों के अंदर ऊपर वायरस है हमें अभी भी नहीं पता है। और उनमें से कुछ ही परसेंट हमारे 6-7 हजार लोग हैं जो अभी डायग्नोज हो गए हैं, या कुछ और हजार लोग जो कि हमारे क्वारंटीन में हैं। उनके अलावा जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू, हम लोग लॉकडाउन के थ्रू बोल रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में रहिए, एक दूसरे से नहीं मिलिए, तो बाकी जो करोड़ों की जनता है वो बिना ट्रीटमेंट के या बिना किसी और मेजर्स के, हेल्थ केयर मेजर्स के, अगर ठीक हो सकती है, बची रह सकती है, तो दैट इज ओनली वे इज लॉकडाउन। आप अपने आप को, अगर आपकी प्रशासन नहीं भी कह रही है कि लॉकडाउन में रहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, तब भी अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को सेव करने के लिए जस्ट हैव टू स्टे एट वन प्लेस, डू नॉट रोम अराउंड, सोशलाइज नहीं करिए, और अपने आप के सारे प्रिकॉशन, अगर वायरस है तो उसको खत्म करने के लिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, हाथ धोना, सफाई रखना अपने आसपास की, अपने शरीर की, यही चीजें आपको बता सकती है वायरस से। डॉक्टर सुशीला जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है, ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना ये कितना मददगार होता है ऐसे में कोरोना संक्रमितों को ठीक करने में, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो इसके लिए अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है जो स्पेशली कोरोना वायरस को मात दे सके, लेकिन ऐसे में जिस तरह की दवाइयाँ फिलहाल कोरोना संक्रमितों को दी जा रही है उसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना या फिर बेहतर करना कितना जरूरी होता है? जो वायरस होते हैं, मोस्टली कोई भी वायरस हो, उसमें जो रिकवरी है वो बॉडी की स्वतः इम्यूनिटी पे ही ज्यादातर डिपेंड करती है, और वो भी ऐसे वायरस में जिसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने इस ट्रीटमेंट के दौरान ये भी पाया कि जो नॉर्मल, जैसे हमें कहा जाता है कि शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम ज्यादा रिस्क रखती है, लेकिन वो लोग जिनके ये सारी कंडीशन है पर उन्होंने उसको कंट्रोल में रखा हुआ है वो अच्छा करते हैं, उनमें कोई एडिशनल रिस्क मैंने नहीं पाया। दूसरा, मैंने ये भी देखा कि जो लोग मन से स्ट्रांग रहते हैं, जो घबराते नहीं है, डरे नहीं रहते हैं और एक पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ रखते हैं, वो भी जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है, ये कोई 2-3 दिन का इन्फेक्शन नहीं है, आपको 2-3 हफ्ते भी अस्पताल में रहना पड़ सकता है। तो मेरा तो तजुर्बा यही है कि बीमारी जरूर शारीरिक है पर लड़ाई मानसिक है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहेंगे वो इससे पार पा जाएंगे। और जो बेसिक चीजें हैं, कोई साइंस, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इम्यूनिटी बनाने की, आप सही खाएं, सही व्यायाम करें, सही सोचें, सही सोएं, ये 4 चीजें करिए और इम्यूनिटी ठीक रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर निमेश जी, ये लड़ाई जरूरी, ये कहा जा सकता है ये जो वायरस है ये शारीरिक रूप से इंसान को कहीं ना कहीं अलग थलग कर देता है, कमजोर कर देता है, लेकिन लड़ाई मानसिक लड़नी पड़ेगी, ये कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब भय का माहौल बना हुआ है, जब जिस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है, कितना भयभीत करने वाला ये माहौल है, और ऐसे माहौल में खुद को किस तरह से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कुछ करें? मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि जिम्मेवारी खुद की तरफ, खुद के जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी तरफ, समाज की तरफ, इंसानी जाति की तरफ। जो एक बार फिर समीक्षा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, जैसे डॉक्टर सुशीला ने कहा, बिकॉज ट्रांसमिशन रैपिडली हो जाता है अगर संपर्क हुआ, अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ तो ईज ऑफ ट्रांसमिशन है, कॉम्प्लिकेशन सब होते हैं तो बड़े फेटल होते हैं। तो इन दो कारणों को लेकर और कोई तरीका है ही नहीं, जो 2-3 मेथड्स अपनाए गए हैं, लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और क्वारंटाइन जहां जरूरी है। ये 100 बार 1000 बार कहा जाए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को कहा जाए, पुलिस वर्ग साथी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज में, बार बार कहूंगा मुझे ओवरऑल माहौल भी है,
हाँ मुश्किल ये भी है कि अगर दो या तीन कुछ जनता भी नहीं बीमारी से पेश आती है तो उसका खामियाजा होगा बहुत सारी बड़ी जनता, और इसलिए जरूरी है कि तो नहीं समझ पा रहे हैं या के काबिल नहीं है समझना चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना होगा, उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि दिस इज दैट नो ऑप्शन सिचुएशन में आज जीवन में अक्सर होता है व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समूह के लिए, या इस बार हो गया मानव जाति के लिए, दिस इज अ नो ऑप्शन सिचुएशन। जो वैज्ञानिक डॉक्टर कारण है, जब तक कोई चमत्कार या कोई आविष्कार ऐसा हो जाए कि ये सिचुएशन हमारी बदल जाए, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी, लेकिन अभी आज के माहौल में इन कुछ महीनों में 2020 के और कोई चारा है ही नहीं। हाँ, इसको हम जितना सकारात्मक से व्यक्ति विशेष को समूह को समझा सके बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से अभी फिलहाल लॉकडाउन है, क्वारंटीन को लोगों ने एक तरह से कलंक समझ लिया है, तो ऐसे में इस सोच को हटाना कितना जरूरी है फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि क्वारंटीन होने का मतलब लगातार, जैसे कि आप लोगों ने बताया, डॉक्टर सुशीला जी हमारे साथ बता रही हैं, डॉक्टर निमेश ने बताया, आप भी लगातार बता रही हैं कि क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हो ही गया, लेकिन ऐसे में इस कलंक को मिटाना, क्योंकि ये ना ये सिर्फ एक कलंक की तरह ही इसको देखा जा सकता है। कई मामले सामने आए हैं, वो बताते हैं कि जब वो होम क्वारंटीन में है, वो बालकनी में जाते हैं, अगर उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके घर के आगे कोई पोस्टर चिपका हुआ है, अगर वो बालकनी में भी जाती हैं, तो वहां से जो पड़ोसी है वो इशारा करके कहते हैं कि आप अंदर जाइए। ये दरअसल एक कलंक की तरह है कि अगर आप कहीं पे दिखते भी हैं तो लोग आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, अगर आप अपने घर पर भी है बालकनी में जा रहे हैं तो भी लोग आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये नहीं लगता आपको कि एक कलंक की तरह बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, हमें इस चीज का ध्यान देना है कि ये एक कलंक नहीं बने, क्वारंटीन एक प्रोएक्टिव मेजर है, इसकी वजह से हम इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके स्प्रेड को रोक रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड को रोक रहे हैं, तो इसको कलंक बनाने की जगह इसको एक बेनिफिट लिया जाए, और जो लोग क्वारंटीन में है उनके लिए थोड़ी सी हमें सिंपथी होनी चाहिए है कि वो एक तो इस भय से हम लोगों से जो जिनको क्वारंटीन में नहीं रखा गया है या जो ये सोच रहे हैं कि शायद वो संक्रमित नहीं है, उनसे एक लेवल ज्यादा स्ट्रेस में है कि शायद हमें इन्फेक्शन है और कब सिम्टम्स आ जाए, कब हम बीमार ज्यादा हो जाएं, कब हमें हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ जाए और हमने कितने लोगों को स्प्रेड कर दिया है, तो ऑलरेडी वो एक मानसिक दबाव के अंदर है। अगर उनके आस पास रहने वाले लोग या उनको जानने वाले या नहीं जानने वाले लोग एक और लेवल ऑफ स्ट्रेस उनके ऊपर ऐड कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है, जो कि कोरोना है या नहीं है उससे उनको फाइट में मदद करें या नहीं करें, लेकिन एक और एक मेंटल इश्यूज उनमें क्रिएट करने हैं जिसको हम शायद फाइट नहीं कर पाए, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, वी शुड नॉट डू इट। बिल्कुल डॉक्टर सुशीला जी, क्योंकि आप लगातार मरीजों से मिल रही हैं, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या आपको इस वक्त, आपको जो आपने अभी तक अनुभव किया है, क्या आपको लगा कि क्या लोगों में जागरूकता की कमी है कि अगर वो कहीं बाहर से आए हैं, किसी कोरोना संक्रमित से अगर वो मिले हैं, फिर भी वो अपने आप को होम क्वारंटीन नहीं करते हैं, क्यों आखिर ऐसा होता है, कि जागरूकता की कमी है या फिर लोग ये सोचना चाहते हैं, ये उनकी सोच है कि नहीं नहीं हमें तो कोरोना होगा ही नहीं या हो ही नहीं सकता, या इस तरह की सोच है, इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं? जिन जिन मरीजों से आप मिले हैं, आपने जाना, आपने इलाज किया, क्या आपने पाया इसमें? देखिये, जिन जो लोग बाहर घूम कर आए हैं उनको बेसिक तौर पे जो हम कहें एजुकेशन की कमी तो नहीं होनी चाहिए, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना और तीसरा है विल टू इम्प्लीमेंट। तो आई थिंक ये सब लोग जानते हैं कि बीमारी है, ये लोग भी जानते हैं कि बीमारी में कई बार लक्षण नहीं होते, पर द विल टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन इज नॉट देयर, दे आर प्रोबेबली नॉट टू सीरियस अबाउट देमसेल्फ्स और पीपल अराउंड देम, सो दैट इज अ मोर कैजुअल अप्रोच एंड विच इज हार्मफुल for everybody. So it is not a matter of their wish or their freedom or you know their wish to enjoy a dinner outside or to have a party. It is all about the country. So even if it is very much in their capacity to spend money or go out, but it is this cannot be allowed because it the whole country's health depends on this. ठीक है, सुशीला जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आप इस वक्त, क्योंकि बहुत लोग आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने कई कोरोना के मरीजों को ठीक किया है, फिलहाल आप क्या अपील लोगों से करना चाहेंगी, क्वारंटीन को कलंक ना बनाएं
और किस तरह से आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, जो लोग होम क्वारंटीन का वक्त जिनका खत्म हो चुका है, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, ये भी तय हो चुका है कि उनको कोरोना जैसे कोई संक्रमण या कोई लक्षण नहीं है, उनसे क्या अपील और ऐसे लोगों से क्या अपील जो कि इसको बेकार का भयावह शब्द बना देते हैं या फिर डरावना शब्द बना देते हैं, उनसे किस तरह की अपील? अपने खुद की सेहत के लिए है, आपके लिए भी है, तो ही इज योर वॉरियर, ही इज योर फाइटर, तो आप उसको इस नजरिए से देखिए कि वो अपनी फ्रीडम को स्टेक पे लगा रहा है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहा है ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे को ना फैला सके, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। इस बात का आपको गर्व होना चाहिए, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आपको बचा रहा है। तो जो लोग क्वारंटाइन में है उनके प्रति आप नेगेटिव विचार ना रखें, बीमारी को स्टिग्मेटाइज ना करें, इससे ये कारपेट के नीचे दबाने से बीमारी नहीं जाएगी, जो बीमार है वो सामने आए, इलाज करवाएं जैसे बताया गया है, उनकी जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, और जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ रहें, प्यार से रहें, और मतलब जो लॉकडाउन है, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आई कैन एश्योर एवरीबडी दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ डूम्सडे, वी शैल ओवरकम, दिस टू शैल बी फाइन। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल अपील यही है कि आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि क्वारंटीन का मतलब यही है कि आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको घर में रहना है। आप होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आप क्वारंटीन सेंटर में भी आपको रखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना संक्रमित हो गए। बार बार हम दर्शकों को यही कह रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वारंटीन में रहने का मतलब आप कोरोना पॉजिटिव है ऐसा कतई नहीं है। तो इसीलिए जो लोग क्वारंटीन में हैं उनसे भेदभाव करना आप छोड़िए, सोच बदलिए देश बदले का। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।